आजकल मेरी दिनचर्या भैंसों के ही साथ व्यतीत हो रही है। नंगा पतंगा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे सगोड़े से, और मैं आया हूँ यहाँ पे कद्दू लेने। तो फाइनली यहाँ पे एक कद्दू लग गया है जो कि मुझे नहीं मिल रहा है अभी, पर सुबह के करीब 6:30 हो गए हैं और आज की सुबह हो रही है खेतों से सगोड़े से, तो वो कद्दू मुझे मिल नहीं रहा है। एक्चुअली में मुझे उसे ढूंढना है। तो अभी मैं ले आया हूँ कद्दू अपने सगोड़े से, और ये थोड़ा छोटा है लेकिन हमारे लिए इनफ होगा। तभी मैंने इसके 2 पीस कर दिए हैं, और ये पहला कद्दू है हमारा हमारी खेती में, मतलब जो हमारी खेती में उगा है। तो अभी जो ये कद्दू था ये मैंने काट लिया है, और आज सब्जी मैं ही बना रहा हूँ, और आज हम कद्दू रोटी के साथ बना रहे हैं। तो कद्दू बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो पहले हम इसे उबाल सकते हैं ऐसी, और तब फ्राई कर सकते हैं, और अगर हम सब्जी के लिए बना रहे हैं तो हम सीधे से फ्राई करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो नए ब्लॉग में। होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो एक नया वीडियो शुरू हो गया है, सुबह के करीब 8:30 हो गए हैं, और ब्लॉग मैंने काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। सुबह से मैंने सब्ज़ी बनाई, सब्जी और नाश्ता रेडी हो गया है। तो आज जैसा कद्दू का साग है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ नाश्ता करने के लिए। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं एक बारी में, और फिर बात करते हैं आपसे। मौसम की बात की जाए तो धुंध छाई हुई है, हल्की सी धूप भी लगी हुई है, लेकिन धूप और तेज़ होएगी दिन में और धुंध भी हट जाएगी। और धान के खेत में हर एक ब्लॉग में चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा येलो येलो सा होने लग गया धान। तो एक बार आप अभी से भी मिलो, है ना, गुड मॉर्निंग अभी। हेलो बोलो कब बोले गए हेलो। तो चलो मिलाते हैं आज आपको अपने पापा से। पापा जी मेरे ब्लॉग में पहली बार, और पापा कल ही आए हैं दमन से, होटल पे जॉब करते हैं, और अभी को अब एक और खिलाने वाले हो गए घर में, है ना। हेलो, तो अभी भी ये खड़े के लिए रो रहा, चल चुपचाप बैठ, आ रहे हमेशा रोता रहता, रोंदू कहीं का। नंगा पतंगा। तो कुछ इस तरह का है ये कद्दू बनके, और देखने में ही काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो सिंपली ऐसे कटोरे में निकाली थोड़ी सब्जी, और इसमें दूध मिला दिया और खाया फिर। तो दिन के करीब 11:30 हो गए हैं, और मेरे हाथ में देखो मुंगरी मक्का जो कि मैंने अपने सगोड़े से लाई, और इससे मतलब ये सबसे बड़ी मक्का है इस सीज़न की, क्योंकि इस बार बंदरों ने ना कुछ रखा ही नहीं है। तो जाता हूँ इसे घर में और खाता हूँ इसे अच्छे से, और ये मस्त मतलब एकदम अच्छे से हो रखी है, ना ज़्यादा पकी हुई है और ना ज़्यादा कच्ची है, तो इसे खाने में मज़ा आएगा, वो भी नमक लगा के। तो अभी दिन के करीब 12 बज गए हैं, और हाल फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ अपने जंगल में, क्योंकि आज ना हमारी भैंस को पापा लेके आए थे जंगल, और भैंस ने पापा को चकमा दे दिया, और पापा ने नज़दीकी छोड़ दिया हमारे घर के ऊपर। तो भैंस आजकल दूसरों के खेत में जाती है, मतलब जाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए मैं जब भी भैंस को ले जाता हूँ तो बहुत दूर ले जाता हूँ। और जो कि कल पापा आ गए थे तो पापा ने आज बोला कि मैं लेके जाता हूँ, और पता नहीं भैंस कहाँ है, कहीं चली ना गई हो दूसरों के खेत में। तो मैं यहाँ ऊपर चेक करने आया था, यहाँ तो नहीं है, अब मुझे नीचे वाले ग्राउंड में जाना है। और आजकल मेरी दिनचर्या भैंसों के ही साथ व्यतीत हो रही है, क्योंकि मम्मी भी आज घर ही में है, तो मम्मी ने मुझे कहा कि तू ही चले जा, तो मैं जा रहा हूँ चेक करने को, और अगर वो नीचे होंगे तो फिर से मुझे उन्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ 12 ही बजे हैं और पूरा दिन अभी बचा हुआ है। तो मैं एकदम सही टाइम पे आया, ये नीचे वाले ग्राउंड पे थे जहाँ से मैं नेट चलाने को जाता हूँ, और अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुँचता तो आज ये खेत में चले जाते दोनों के दोनों, चोर बन गए आजकल, जंगल में चढ़ नहीं सकते। तो मैं अभी इन्हें थोड़ा उधर तक ले जाता हूँ। तो हेलो जी, अभी बज गए दिन के 1, और दिन का खाना अभी नहीं हुआ है, और मौसम हो गया बारिश वाला। तो अब यह महीना ख़त्म होने वाला है, आज 27 तारीख हो गई, 27 अगस्त। तो अब मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो गई पहले से, तो मैं घर आया था, तो अब कल मैं मार्केट जा रहा हूँ अपने रूम पर।
तो कुछ सामान ला रखा था मैंने मार्केट से, बुक्स वगैरह, तो वो कर लेते हैं पैक मार्केट के लिए। और कल मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो अब आपके लिए कुछ दिनों तक मार्केट के ब्लॉग आएंगे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। बीच में मैंने दून भी जाना है शायद परसों या नरसों में, तो देखते हैं क्या क्या होता है। फ़िलहाल मैं पैकिंग करता हूँ और करते हैं उसके बाद दिन के खाने की तैयारी। दिन का खाना रेडी हो ही रखा है। तो देखो अभी तक कितनी मस्त सी धूप खिली हुई थी और अभी समय से तो 2 ही बजा है और कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। और अभी तक यहाँ पे कपड़े थे, हाल फिलहाल में वो भी समेट दिए हैं। तो पहाड़ों के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाएगी। तो ये वाला था वो एरिया उस दिन टूटा हुआ जिसे मैं दिखाने से डर रहा था, लेकिन आज मैं दिखा रहा हूँ। और पूरी रोड यहाँ पे जाम हो रखी है। और यहाँ सामने पे हमारा गांव, अभी हम आए इस साइड गौशाला साइड, तो वहाँ से है रोड इधर के लिए जूनियर हाई स्कूल है आगे और सिंगोट गांव भी। तो आजकल गुर्जी लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं साहिल, गोपाल और हितेश आए हैं यहाँ गौशाला साइड, क्योंकि आजकल यहाँ है नहीं कोई। तो हम आए हैं ककड़ी चुराने के लिए। अभी हम थोड़ा घूम चुके हैं, शायद हमारे गांव वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे, पर देखे तो देखे। पहले भी ककड़ी चुराते थे और अब भी चुराते हैं, लेकिन कहीं मिल ही नहीं रही, किसी ने बो ही नहीं रखी। और जहां पे बो भी रखी है वहां पे बिल्कुल नहीं है, बस फूल फूल लगे हैं। शायद इस बार ककड़ी का मतलब सीज़न कम है, और टाइम पर तो बहुत सारी होती थी लेकिन इस टाइम पर नहीं है। तो उतनी दूर से हम आए हैं इधर और अभी सारे लोग यहाँ पे जा रखे हैं देखने के लिए। वहाँ भी कुछ लोगों ने बो रखी है ककड़ी, तो देखते हैं मिलती है। और यहाँ पे हम पूरी व्यवस्था के साथ आ रखे हैं, नमक लेके, नमक मिर्च, तो देखते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि मिलेगी हमें ककड़ी। और जब हम पहले आते थे ना इस टाइम पर, जब हमारे गौशाला से गाय भैंस डांडा जाए रहते हैं, तो इस टाइम पर काफ़ी मिलती थी पहले, मतलब 3-4 साल पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे काफ़ी होती थी। लेकिन अब शायद धीरे धीरे इन सब चीज़ों का सीजन नहीं रह चुका है। मिला कुछ तो कुछ भी नहीं मिला इन लोगों को, खाली हाथ आए।